बिहार के स्कूली शिक्षकों का पक्ष रखते हुए केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जब स्कूल बंद है तो फिर शिक्षा विभाग शिक्षकों को स्कूल क्यों बुला रहा है। केंद्र मंत्री ने मीडिया से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर हमला बोलते हुए कहा कि शिक्षा विभाग रोबोट की तरह चल रहा है, स्कूल बंद रहने पर भी शिक्षकों को स्कूल में बैठाया जा रहा है। मालूम हो कि भीषण गर्मी के चलते बिहार के स्कूलों में 8 जून तक बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। गिरिराज सिंह ने शिक्षकों के मसले को लेकर शिक्षा विभाग पर जमकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग में कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें संवेदना हो और तुगलकी कानून चलाया जा रहा है, इससे राज्य सरकार की छवि को नुकसान हो रहा है। गिरिराज सिंह ने स्कूल शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए ली जाने वाली दक्षता परीक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा लेनी है तो IAS अफसरों की ली जाए। 16 से 17 साल काम करने के बाद शिक्षकों की परीक्षा क्यों ली जा रही है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।